अस्सलाम वालेकुम वेडीपी क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। वी विल कवर दिस टॉपिक थ्रू सम लेक्चर्स। द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेंट्रल बैंक्स एक्शंस एंड कम्युनिकेशंस that manage the money supply. The money supply includes forms of credit, cash, checks and money market mutual funds. The most important of these forms of money is credit. Credit includes loans, bonds and mortgages. Monetary policy central banks ke different actions par mabni hoti hai. वो डिफरेंट एक्शंस क्या हैं हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी हियर व्हाट आर द मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक्स ये एक्शंस आमतौर पर अडॉप्ट करता है मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशंस देखी हैं, M1, M2, M3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। बहरहाल मनी सप्लाई की बहुत सी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे क्रेडिट है, कैश हैं, चेक्स हैं और इसके अलावा मनी मार्केट्स के कुछ दूसरे म्यूचुअल फंड्स भी शामिल होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्रेडिट मनी है, जैसे कि स्पेशली इसमें लोन्स और बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीजेस लिक्विडिटी टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। इट रिड्यूसेस लिक्विडिटी टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक यूज इंटरेस्ट रेट्स, बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स दैट बैंक्स मस्ट होल्ड। ऑल दीज टूल्स अफेक्ट हाउ मच बॉन्ड्स How much banks can lend? The volume of loans affects the money supply. Monetary policy का मकसद ये भी हो सकता है कि liquidity means the cash form of money, कि इसको increase किया जाए। आमतौर पर हम इसको क्यों increase करना चाहते हैं? In order to improve the economic growth, in order to increase the growth rate of the economy. And sometimes the purpose of the monetary policy is to reduce the liquidity. And why we reduce liquidity? The purpose of reducing the liquidity is to prevent the inflation. जब इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, ज़र की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम आम तौर पर मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की पॉलिसी अप्लाई करते हैं। ये गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ाने और मनी सप्लाई को कम करने की पॉलिसी के लिए कुछ टूल्स अप्लाई करता है, जिसको हम अगले लेक्चर्स में बहुत इन डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ जो मेन टूल्स हैं वो है आमतौर पर इंटरेस्ट रेट, बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड द नंबर ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स दैट द बैंक्स एंड द अदर पीपल्स होल्ड। इन टूल्स को कम और ज़्यादा करके, इन टूल्स को अप्लाई करके, इन टूल्स की मदद से वो मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है और इस तरह इकोनॉमी में जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसके टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्पस है, द मेन पर्पस, इट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ मनी को स्टेबल करना, यानी मॉनेटरी स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। हाउ वी कैन डिफाइन द मॉनेटरी पॉलिसी। Monetary policy refers to the actions undertaken by a nation's central bank to control money supply and achieve macroeconomic goals that promote sustainable economic growth. हर मुल्क का सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिजाइन करता है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है? वही मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। कंट्रोल इस तरह करना कि ना तो बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाए, यानी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाए, ना मनी सप्लाई बहुत कम हो जाए कि इकोनॉमी डिफ्लेशन का शिकार हो जाए। क्योंकि अगर इकोनॉमी में मॉनेटरी स्टेबिलिटी मौजूद होगी तो उसके नतीजे में हम जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं वो आसानी के साथ हासिल कर सकेंगे और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अचीव किया जा सकेगा। ये
मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन को ख़त्म करना, डिफ्लेशन को ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो ख़त्म करना, कुछ इस किस्म के गोल्स हैं जिनको हम आगे जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टडी करेंगे तो हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी कैटेगराइज्ड एज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दो तरह की हो सकती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके तहत आमतौर पर मनी सप्लाई और मनी सप्लाई के तमाम तर एलिमेंट्स जैसे कि कैश, क्रेडिट, लोन्स, बॉन्ड्स, इन सब की जो है वो एक्सपेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। जबकि कंट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें मनी सप्लाई की कमी की, उसको डिक्रीज करने की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है और वो तमाम तर एलिमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई उनको कम करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टूल्स अप्लाई किए जाते हैं। हम इन दोनों टाइप्स की पॉलिसीज को इन डिटेल स्टडी करते हैं। वट इज़ द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी? इफ़ अ कंट्री इज फेसिंग अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यूरिंग अ स्लो डाउन आर अ रिसेशन, द मॉनेटरी अथॉरिटी कैन अडॉप्ट फॉर एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। द एम ऑफ द एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू एक्सपेंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफन लोअर्स द इंटरेस्ट रेट थ्रू वेरियस मेजर्स सर्विंग टू प्रमोट द स्पेंडिंग एंड मेक मनी सेविंग रिलेटिवली अनफेवरेबल। गोया कि अगर इकोनॉमी को कुछ ऐसे मसाइल दरपेश हों, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना हो, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि इकोनॉमी में जो है वो शदीद किस्म की डिफ्लेशन पाई जाती है, तो ऐसे सूरत हाल में इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ स्लो डाउन हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही होती है, इन्वेस्टमेंट लेवल कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की आमदनियां कम हो जाती हैं, नतीजतन डिमांड कम हो जाती है, गुड्स एंड कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम होती हैं जो कि मज़ीद डिफ्लेशन का बायस बनती हैं। डिफ्लेशन के कम होती हुई प्राइसेस इन्वेस्टमेंट में और कमी का बायस बनती हैं, गोया इकॉनमी में तेज़ी के साथ रिसेशन आ जाता है। जब जिस रिसेशन का मतलब है इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, जहां तमाम तर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि इन्वेस्टमेंट, डिमांड, सप्लाई, प्राइसेस, सबका रुझान बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आता है। चूँकि इस तरह की रिसेशन को, इकॉनमी के स्लो डाउन हो जाने को, अनएम्प्लॉयमेंट को, डिफ्लेशन को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आमतौर पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये इकोनॉमी जो कि स्लो डाउन हो रही है, जो रिसेशन का शिकार हो रही है, इसको रिकवर किया जाए, इसकी इकोनॉमिक, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसके लिए आमतौर पर जो पॉलिसी अप्लाई की जाती है उसके तहत इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो क्रेडिट जो है वो बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा मिकदार में लोन फैसिलिटीज़ अवेल करेंगे, लोन की मिकदार बढ़ेगी, क्रेडिट जो है वो क्रेडिट मनी इंक्रीज़ कर जाएगी, इकोनॉमी में मनी ज़्यादा मिकदार में सर्कुलेट करेगी और नतीजतन हम वो जो रिसेशन था उससे बाहर निकल आएंगे, क्योंकि बढ़ती हुई क्रेडिट मनी इन्वेस्टमेंट लेवल को ज़्यादा करेगी, क्योंकि कर्जा लेना सस्ता हो जाएगा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा मिकदार में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का लेवल ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार दस्तियाब होगा, आमदनी बढ़ेगी, बढ़ती हुई आमदनी डिमांड और प्राइसेस दोनों को ज़्यादा करेगी, गोया हम डिफ्लेशन से भी जो है वो बाहर आ जाएंगे, मार्केट्स एक्सपेंड हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि इसके नतीजे में तमाम तर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टिमुलेट हो गई हैं, वो एक्सपेंड हो रही हैं। चुनाची ऐसे सूरत हाल में कोशिश ज़्यादा की जाती है कि ऐसे टूल्स अप्लाई किए जाएं कि इंटरेस्ट रेट को किसी तरह जो है वो कम कर दिया जाए। इससे लोगों की ज़ाहिर डिमांड बढ़ रही है, उनकी स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और इसके साथ साथ जो है जो मनी सेविंग है वो भी जो है वो ज़्यादा कम होती चली जाती है। फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? द पर्पज़ ऑफ द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू इंक्रीज़ the money supply within the economy by
कंप्लीटिंग एक्शन सच एज डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, हम स्टडी कर चुके हैं अभी कि डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में किस तरह जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर देगा। और दूसरी पॉलिसी क्या हो सकती है, लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स। तमाम तर बैंक जो हैं वो लीगली इस बात के पाबंद होते हैं कि वो अपने डिपॉजिट्स का एक खास रिजर्व रेशियो के हिसाब से वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाएंगे। इस रिजर्व रेशियो को आमतौर पर कम कर दिया जाता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो ज़्यादा फैल सकें, बैंकों की कर्जा देने की सलाहियत बढ़ सके और इकोनॉमी में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा स्टिमुलेट हो सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। एंड देन दी परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत एक और टूल जो अप्लाई किया जाता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देता है। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है तो बहुत सारी अमाउंट लोगों से सेंट्रल बैंक से जो है वो लोगों की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यू इकोनॉमी में जो है वो मनी की एक्सपेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे टूल्स हम इनको बहुत इन डिटेल आगे इसके टूल्स के सेक्शन में स्टडी करेंगे। दिस टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स टू लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज वेल एज स्टिमुलेट द बिजनेस एक्टिविटीज एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। द ओवरऑल गोल ऑफ दिस पॉलिसी इज टू फ्यूल द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेवरदीलेस इट कैन ऑल्सो हैव एन एडवर्स इफेक्ट लीडिंग टू द हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि जाहिर है जब आप इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो बाज़ुकाज़ ये सिलसिला इतनी तेजी के साथ बढ़ता है कि इकोनॉमी को हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ ले जाता है। सोर्स हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि कीमतों में बहुत तेजी के साथ इजाफा होना। आमतौर पर हाइपर इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन की जाती है इससे मुराद है कि कीमतें जो हैं वो 1000% एनुअली से भी ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं। गोया बहुत तेजी के साथ इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार होती है। बहुत कम इकोनॉमीज ने जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन का जो है वो एक्सपीरियंस किया है, जैसे दूसरी जंग अजीम में जर्मनी को इसका सामना जो है वो करना पड़ा। कंट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी इज द अदर टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंक्रीज्ड मनी सप्लाई कैन लीड टू हायर इन्फ्लेशन रेजिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कंट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी अप्लाइड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट एंड स्लोइंग द ग्रोथ ऑफ द मनी सप्लाई। इट एम्स टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन। दिस कैन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बट इज ऑफन नेसेसरी टू कूल डाउन द इकोनॉमी एंड कीप्स इट इन चेक। कंट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आमतौर पर कोशिश की जाती है कि जो मनी सप्लाई है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि यही बढ़ती हुई मनी सप्लाई जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी थी वो बाज़ुकात शदीद इन्फ्लेशन का भी शिकार कर देती है, यानी गैलोपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन का भी शिकार कर देती है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो फिक्स्ड आमदनी वाले लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो बहुत कम है, जैसे कि कोई बहुत मजदूर तबका जो कि बस फिक्स वेजेस जो हैं वो अर्न करते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, इनकम उस लिहाज से नहीं बढ़ रही होती है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही होती। तो और इसके अलावा ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ज़्यादा हो जाता है। इन तमाम तर सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी होती है कि कंट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाए। कंट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी के जो है वो क्या टूल्स हो सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड बाई इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। यहाँ इंटरेस्ट रेट को हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि इकोनॉमी में जो है वो क्रेडिट एक्सपेंसिव हो जाए, इन्वेस्टर्स ज़्यादा मिकदार में क्रेडिट ना लें, जिसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट कम होती है, इनकम कम हो जाती है, तमाम तर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। और जब क्रेडिट इकोनॉमी में कम मिकदार में सर्कुलेट करता है तो मनी सप्लाई की ग्रोथ खुद बहुत कम होना शुरू हो जाती है। गोया इस तमाम तरह कंट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद जो है वो इन्फ्लेशन को स्लो डाउन करना होता है। इन तमाम तरह पॉलिसीज़ के नतीजे में इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ी सी यानी बढ़ भी जाती है। ये एक जो है एक इसका ड्रॉबैक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका रेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट लेवल कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, लोगों की आमदनियाँ भी कम होनी शुरू हो जाती हैं, यानी प्राइसेस के कम होने के साथ साथ कम होती हुई प्राइसेस इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिसइंसेंटिव साबित होती हैं और नतीजतन इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है।
अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगती है और ये कोई इकोनॉमी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी क्या हो जाती है, वो बूस्टअप होने की बजाय वो कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाए तो उस पर मुकम्मल तौर पर चेक रखा जाए कि ऐसा ना हो कि यही कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी को रिसेशन का शिकार कर दे। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द मनी सर्कुलेटिंग थ्रू द इकोनॉमी थ्रू आउट द इकोनॉमी। इट इज मोस्ट ऑफन अचीव्ड बाई द एक्शन सच एज सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स। आपने देखा कि ये तीन मेथड्स, तीन टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के जो हमने यहाँ डिस्कस किए, ये तीनों टूल्स वही हैं जो कि हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ हम उससे बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करने की पॉलिसी अप्लाई की, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करने की और रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी डिक्रीज करने की पॉलिसी अप्लाई की। लेकिन कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बिल्कुल उल्ट जो हैं वो इकदाम उठाएंगे और इसमें हम बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं इनको सेल आउट कर देंगे। जब इसको सेल आउट करेंगे तो फिर बहुत सारी जो अमाउंट है वो, यानी जितनी भी आप सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज लोगों को सेल करेंगे, उतनी ही अमाउंट लोगों से गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इकोनॉमी में कम मनी सर्कुलेट करेगी और इकोनॉमी में हम वो शदीद इन्फ्लेशन से बाहर आ जाएंगे। और इस तरह इंटरेस्ट रेट को अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो क्रेडिट महंगा हो जाएगा, लोन अवेल करना महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से कम मिकदार में क्रेडिट मनी, चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज कम मिकदार में इकोनॉमी में सर्कुलेट करेंगे और हम इन्फ्लेशन से बाहर आ सकेंगे। फिर इसी तरह बैंक्स की जो है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अब तमाम तर कमर्शियल बैंक इस बात के लिए मजबूर होंगे कि वो अपने डिपॉजिट्स का की एक बड़ी मिकदार जो है, बड़ी अमाउंट, बड़ी रेशियो जो है वो स्टेट बैंक, यानी अपने मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व रिक्वायरमेंट के तौर पर रखवाएं। चुनांचे कमर्शियल बैंक की कर्जा देने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी, कम क्रेडिट, कम लोन, कम कर्जा इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा और हम उस शदीद इन्फ्लेशन के इफेक्ट से बाहर आ सकेंगे। हाउएवर दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू अवॉइड द इन्फ्लेशन, यानी स्पेशली जब इकोनॉमी में बहुत शदीद किस्म की इन्फ्लेशन हो तो ये पॉलिसी जो कि अडॉप्ट की जाती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। जी फ्रेंड्स, आज हमने मॉनेटरी पॉलिसी का हमारा यूनिट जो है वो स्टार्ट किया। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और फिर हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी को इकोनॉमिस्ट जो है वो किस तरह डिफाइन करते हैं। हमने दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और इसके साथ साथ कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग द मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री।